7 अक्टूबर 2023, सारे न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही न्यूज चल रही थी कि हमास के कुछ मिलिटेंट्स ने इजराइल पर अचानक से हमला बोल दिया। बिगिनिंग ऑफ अ सरप्राइज अटैक बाय हमास अगेंस्ट इजराइल। पर हमास के अटैक की जानकारी है, बड़ी जानकारी है। गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। इन व्हाट इज बीइंग सीन एज द डेडलीस्ट एस्केलेशन इन द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। इस अटैक के दौरान सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब हमास इजराइल के ऊपर 5,000 से भी ज्यादा रॉकेट फायर करता है। हालांकि इजराइल के पास आयरन डोम नाम का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था जो इन मिसाइल्स को आसमान में ही डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, लेकिन क्योंकि हमास पे करे गए इस हमले में उसने एक साथ 5,000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे थे, इसलिए ये आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो जाता है और ये रॉकेट्स इजराइल में भारी तबाही मचाते हैं और इजराइल में सैकड़ों से भी ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके बाद हमास के सैनिक पैराग्लाइडर की मदद से गाजा से 5 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल में चल रहे एक म्यूजिक फेस्टिवल में अटैक करते हैं और इस अटैक के दौरान काफी लोगों को बंदी बना लेते हैं। इसके अलावा हमास बुलडोजर से इजराइल गाजा बॉर्डर में लगे फेंस को तोड़कर इजराइल के अंदर कुछ हिस्सों पर कब्जा करता है और जिसके बाद यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये क्लेम करते हैं कि हमास ने जिन इजराइल की टेरिटरी को कैप्चर किया है वहाँ के बच्चों की हमास के लड़ाकों ने गर्दन काट दी है और ये पूरी स्टोरी न्यूज चैनल्स पर चलने लगती है और सोशल मीडिया पर भी कुछ मिलिटेंट्स कुछ बच्चों की गर्दन काटते हुए एक वीडियो वायरल होने लगती है। लेकिन क्या यही पूरा सच था? शायद नहीं, क्योंकि इस न्यूज के वायरल होने के बाद हमास की तरफ से एक वीडियो रिलीज होती है जिसमें न सिर्फ जिन हिस्सों पे हमास ने कैप्चर किया है वहाँ के बच्चे जिंदा थे बल्कि हमास के फाइटर उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद से ही न सिर्फ व्हाइट हाउस ने इस क्लेम को भी वापस लिया कि हमास ने मासूम बच्चों की गर्दन काट दी, बल्कि CNN रिपोर्टर सारा साइडनर जिसने ये न्यूज अपने शो के दौरान चलाई थी वो भी इस झूठे एक्यूजेशन के लिए माफी मांगती है। इसके अलावा हमास के स्पोक पर्सन खालिद पदुमी ने अल जजीरा को एक इंटरव्यू में ये बताया कि हमास का ये अटैक एक्चुअली में रिस्पॉन्स है गाजा पे हो रहा है इसराइल के अत्याचारों का। तो आखिरकार क्या है सच हमास और इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट का? कौन है ये हमास और क्यों कर रहा है ये इजराइल पर हमला? और जिस हमास को ये वेस्टर्न मीडिया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह पोर्ट्रे करती है वो एक लेजिस्लेटिव इलेक्शन जीती हुई पार्टी है। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर हम इसराइल और पलस्तीन के बीच हो रहे कन्फ्लिक्ट को समझना चाहते हैं तो हमें जाना होगा 19th सेंचुरी के आसपास, जब पूरे पैलेस्टीन पर ऑटोमन अम्पायर की हुकूमत हुआ करती थी और इस जगह पर कोई भी इसराइल नाम की चीज का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन साल 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइन फोर्सेस के जीतने और ऑटोमन अम्पायर की हार के बाद पैलेस्टीन पर ब्रिटेन का कंट्रोल आ जाता है। लेकिन वहीं वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटेन की जीत से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर लाइनल वॉल्टर रॉटस्चाइल्ड को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो पैलेस्टीन के अंदर ज्यूज को स्टैब्लिश करने की बात लिखते हैं और इसी लेटर को आगे चलकर बेलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यूज को पैलेस्टीन में इसलिए नहीं स्टैब्लिश करती कि उसे ज्यूज से हमदर्दी थी, लेकिन वो जर्मनी में मौजूद ज्यूइश का सपोर्ट चाहती थी जर्मनी को ही हराने के लिए। इसलिए वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1922 से 1935 के बीच यूरोप में मौजूद ज्यूज को पैलेस्टाइन माइग्रेट करना शुरू कर दिया और वहीं 1933 से 1935 वो ही पीरियड था जब जर्मनी में हिटलर की राइज शुरू हो गई थी और हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 के हार का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ज्यूइश को ही मानता था, क्योंकि ज्यूज लोगों ने जर्मनी के खिलाफ गद्दारी करी थी। इसलिए हिटलर ने ज्यूज को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। इसी बीच ज्यूज का माइग्रेशन भी पैलेस्टीनियन लैंड पर और तेजी से शुरू हो जाता है। लेकिन इतने माइग्रेशन के बावजूद भी पैलेस्टीन में अरब लोग ही मेजॉरिटी में रहते हैं। अब आप लोगों को ये बता दें कि पैलेस्टीन एक्चुअली में काफी इम्पोर्टेंट जगह है मुस्लिम्स क्रिश्चियन और ज्यूज तीनों के ही लिए, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए मस्जिद अल अक्सा उनका पहला किबला है जिसे वो बैतुल मकद्दस भी बोलते हैं। वहीं क्रिश्चियंस के लिए पैलेस्टीन हॉली लैंड इसलिए है क्योंकि जीसस क्राइस्ट वहीं पैदा हुए थे और ज्यूइश मानते हैं कि सोलोमन्स यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया टेंपल भी पैलेस्टीन में ही था जिसे बेबीलोनियंस ने तोड़ दिया था। लेकिन अब आप लोगों को ये बता दें कि जिस टाइम पर हजारों साल पहले ज्यूज यहां रहते थे उस टाइम पर भी ये एरिया इजराइल नहीं था, जिसके बाद 29 नवंबर 1947 में ब्रिटेन यूनाइटेड स्टेट की मदद लेकर रेजोल्यूशन 181 के
अंडर पैलेस्टीन को तीन हिस्सों में बांट देता है, जिसमें ये जेरूसलम का हिस्सा इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा जाता है और बाकी कुछ हिस्सा ज्यूइश को और कुछ हिस्सा पैलेस्टीनियन को दिया जाता है। अब आप लोग इस मैप को गौर से देखिए कि दो कंट्रीज को इस तरह बांटा गया है कि एक कंट्री का कुछ हिस्सा दूसरी कंट्री के बीच में से कोलाइड करता है। हालांकि इस तरह से दो कंट्रीज का बांटना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ब्रिटेन यहाँ पर भी डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला अपना रहा था, जिस तरह ब्रिटेन ने इंडिया में भी पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटा था, जहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया था। पर बाद में 1974 के दौरान ही ये वेस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। ब्रिटेन यही सेम पॉलिसी पैलेस्टीन के साथ भी अपनाना चाहता था, जिसके बाद साल 1948 में जाकर ये ज्यूइश एस्टेट पैलेस्टीन से अलग होकर इसराइल की आजादी का ऐलान करता है और इसी के बाद जाकर शुरू होता है इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, और तभी से पैलेस्टीन और इसराइल के बीच तनाव आज तक जारी है। जिसके बाद इसराइल एक और जंग जीतने के बाद पैलेस्टीन के कुछ और हिस्सों पर कब्जा कर लेता है, और वो कंट्री जो आज तक पैलेस्टीन के नाम से जानी जाती थी उसमें से 78% हिस्सा इसराइल, बाकी बचा हिस्सा पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप बनता है। और धीरे धीरे कर इसराइल वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन को भी बाहर निकाल कर उनकी जमीनों पर भी कब्जा करता रहता है। इसके बाद इसराइल गाजा पर भी हमला करके उसको भी अपने कब्जे में ले लेता है, और जिसके सालों बाद एयर 1987 में इजिप्ट के एक पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप मुस्लिम ब्रदरहुड के एक मेंबर शेख अहमद यासीन गाजा में एक सोशल रिलीजियस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, हरकत अल मुकावमत अल इस्लामिया, शॉर्ट में हमास, जिसका मीनिंग है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। और इसी के साथ हमास की आर्मी अल कसम की भी स्थापना होती है। ये वही आर्मी है जिसे वेस्टर्न मीडिया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह पोर्ट्रे करने में लगी रहती है, पर हमास का सिर्फ एक ही मकसद है कि पैलेस्टीनियन को उनकी जमीन वापस दिलाना। और यहाँ तक कि काफी कंट्रीज ऐसी हैं जो हमास को एक टेरर ग्रुप नहीं मानती, जैसे कि ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, कतर, नॉर्वे, सीरिया, रशिया और यहाँ तक टर्की। ये सभी कंट्रीज हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती हैं। वहीं दूसरी कंट्रीज जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि अमेरिका, इसराइल, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यही सिर्फ इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। लेकिन हमास का सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो ये चाहता है कि 1967 के अकॉर्डिंग जो इसराइल का बॉर्डर है, इसराइल उस पर वापस जाए और पैलेस्टीन में दोबारा से फ्री इलेक्शन होने दे, ताकि वहाँ एक गवर्नमेंट फॉर्म हो सके, तभी जाकर वो ये हमले रोक देगा। लेकिन फिर भी इसराइल ऐसा कुछ भी नहीं करता, बल्कि पैलेस्टीन के हिस्सों पर कब्जा करता रहता है। यहाँ तक पैलेस्टीन की बेसिक नीड जैसे बिजली, पानी जैसी चीजों पर भी पूरा कंट्रोल कर लेता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस हमास को वेस्टर्न मीडिया एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताती है, उसने साल 2006 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी लड़े हुए हैं, जिसमें हमास की 44% वोट्स मिलने के बाद जीत हुई थी और फतह पार्टी को हारना पड़ा था। लेकिन हमास के इलेक्शन जीतने के बाद ही एंट्री हो जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें यूरोपियन यूनियन, यूएसए, रशिया जैसे देश शामिल थे। उनकी एंट्री के बाद ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही हमास पर कुछ सैंक्शन लगा देती हैं, जिसमें से एक शर्त थी कि हमास को इसराइल को एक नेशन की तरह एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन हमास इन शर्तों को मानने से मना कर देता है और आखिरकार जाकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से दूसरी पार्टी फतह वेस्ट बैंक पर कंट्रोल कर लेती है। और इलेक्शन जीतने के बाद भी हमास को सिर्फ गाजा स्ट्रिप पर ही कंट्रोल करने को मिलता है, और इसराइल धीरे धीरे करके वेस्ट बैंक, जो कि फतह के कंट्रोल में है, उन हिस्सों को भी कंट्रोल में लेना शुरू करने लगता है और पैलेस्टीनियन के लैंड को ऑक्यूपाई करने में लग जाता है। और इसके अलावा इसराइल जब भी इस जमीन की लालच में गाजा या वेस्ट बैंक पर हमला करता रहता है, तो सभी फॉरेन मीडिया और यहाँ तक कि यूएन भी चुपचाप तमाशा देखते हैं। और जब भी इतने अत्याचार झेलने के बाद पैलेस्टीनियन साइड से कोई रिटेलिएशन होता है, तो सभी फॉरेन पावर पैलेस्टीन को टेररिस्ट घोषित करते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में भी अमेरिका सालों से यही करता आया है, और जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से वापस लौटता है और तालिबान अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लेता है, तो वहाँ न सिर्फ सारी चीजें नॉर्मल होने लगती हैं, बल्कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी तालिबान की कंट्रोल में आने से काफी अच्छी तेजी से ग्रो भी करने लगती है।
हालांकि इस वीडियो के जरिए मैं किसी भी तरह के वायलेंट को प्रमोट नहीं करना चाहता, बल्कि मैं दोनों साइड में हो रहे वायलेंट के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों साइड से हुए वायलेंस को एक तरह न्यूट्रल होकर क्यों नहीं देखती, और अगर वायलेंस इसराइल के साइड से होता है और इसराइल पैलेस्टीन का लैंड कैप्चर करता है, तब ये फॉरेन मीडिया सिर्फ ये क्यों पोर्ट्रे करती है कि इसराइल का ये वायलेंस अटैक अगेंस्ट टेररिज्म है, ना कि मासूम पैलेस्टीनियन पर अत्याचार। मेरे हिसाब से वॉर जिसने भी प्लान करी हो या जिसकी भी गलती की वजह से हुई हो, आखिर में इसमें नुकसान आम जनता को ही झेलना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुर के बारे में ये स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।